Welcome to my channel Utkarsh Education Tube, which provides free educational platform for learning. Friends, मेरे channel Utkarsh Education Tube में आप सबका स्वागत है. पिछले sessions में हमने semantic analogy के basics और उससे related problems को solve किया था. Session 1 में हमने semantic analogy शुरू किया. हमने जाना कि semantic analogy होता क्या है, कितने types का होता है और इसके क्या basics हैं और हमने इसमें कैसे logic को find करना है और कैसे series को solve करना है. इससे related जितने भी questions थे, जितने भी problems थी, मैंने आपको session 1 और session 2 में बताई. और भी मैं बहुत सारी problems आगे के sessions में लाऊंगा. तो सबसे पहले आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि मोटिवेट होकर मैं और भी अच्छे सेशंस आपके लिए तैयार कर सकूं. तो यहाँ पर जो सेशन 3 में लाया हूँ, इसमें मैं सिमेंटिक एनालॉजी की समरी आपको बताऊँगा कि जितने भी आपने सेशन 1 सेशन 2 किए हैं, इसमें जितना भी जो भी प्रॉब्लम्स थी सिमेंटिक एनालॉजी में, कैसे हम वर्ड सीरीज होती है, हमने वर्ड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि बहुत सारी वर्ड सीरीज गिवन होती हैं और हमें बतानी होती है कि अगली सीरीज कौन सी होगी. क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी सीरीज आती है जिसे सक्सीडिंग सीरीज कहते हैं, तो वो सक्सीडिंग सीरीज कैसे निकालते हैं और सीरीज के बीच में कैसे लॉजिक को फाइंड करते हैं, इसका मैं आज आपको थोड़ी समरी दूंगा ताकि आपका पिछले सेशंस का रिवीजन भी हो जाए और आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि सेमेंटिक एनालॉजी होती क्या है. तो सेमेंटिक एनालॉजी कुछ भी नहीं है, सारा का सारा आपको वर्ड सीरीज में अल्फाबेट्स का खेल है. वर्ड एनालॉजी, सेमेंटिक एनालॉजी के तीन पार्ट जो है, उसमें हमने पहला पार्ट देखा था वर्ड एनालॉजी. तो वर्ड एनालॉजी जो है उसमें कुछ भी नहीं है, वर्ड एनालॉजी में जनरली अल्फ़ाबेट्स हैं. तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जेड, उनकी आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, ये 13 के पेयर्स में डिवाइड हैं. तो जो फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर, ये वाले जो फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए कि इनकी नंबरिंग होती है 1 to 13, यानी ए टू एम तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं इनकी नंबरिंग होती है 1 to 13, मतलब कि ए आता है 1 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे. उसी तरह लास्ट के जो 13 पेयर हैं यानी एन टू जेड, इनकी भी आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए. एन टू जेड मतलब 14 to 16, एन नंबर, एन आता है 14 नंबर पे और जेड आता है 26 नंबर पे. तो आपको अगर अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन पता है, अगर आपको पता है कि जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें ए कहाँ आ रहा है, बी कहाँ आ रहा है, सी कहाँ आ रहा है, तो आप आसानी से वर्ड एनालॉजी को सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आपको सारी पोजीशन नहीं पता तो आप सिर्फ मिडल अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद रखिए. और मिडल अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? एम और एन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. एम जो है वो 13 नंबर पे आता है और एन जो है वो 14 नंबर पे आता है. अगर आपको ये भी याद है, क्योंकि जितने भी अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स में हैं, 26 अल्फ़ाबेट के आप एकदम बीच में जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो एम और एन ही होते हैं. एम आता है 13 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे. तो एम और एन की अगर आपको पोजीशन पता है कि एम 13 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है, तो अब आप एम और एन के आसपास के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन आप खुद ही बता कर सकते हैं. जैसे मैं कहूँगा आपको कि ओ की पोजीशन बताओ, वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ ओ, तो आपको पता है कि एन जो है वो 14 नंबर पे आता है और एन के बाद कौन आता है? एल एम एन ओ, एन के बाद ओ आता है, तो ओ की पोजिशन क्या हो गई? 15. अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्यू की क्या पोजिशन है, तो क्यू कहाँ आता है? एल एम एन ओ पी क्यू, एन की पोजिशन 14 है, ओ की पोजिशन 15 है, क्यू की पोजिशन कितनी है, कितनी होगी बताओ? एल एम एन ओ पी क्यू, तो पी की, एन की पोजिशन 14, ओ की पोजिशन 15, P की पोजीशन 16 एंड Q की पोजीशन 17. इस तरह से आप M और N के आसपास के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन पता कर सकते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं K कहाँ आता है, L कहाँ आता है, जनरली मैं आपसे पूछता हूँ L कहाँ आता है, तो L M, M से पहले L आता है, तो L M, M की पोजीशन 13 है, तो L की कितनी हुई? 12 हो गई. अगर मैं आपसे पूछूं K कहाँ आता है, तो K L से पीछे, K L से पहले आता है, तो L की पोजीशन अगर 12 है तो K की कितनी होगी? 11 होगी. तो इस तरह से आप, और J की पोजीशन क्या होगी? J K से पहले है तो J की पोजीशन 10 हो गई. तो इस तरह से आप M और N की पोजीशन याद रख के, मिडल अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को याद रख के, आसपास के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और सबको पता होता है कि A 1 नंबर पे आता है और Z
36 नंबर पे आता है। तो ए के आसपास और जेड के आसपास के भी अल्फ़ाबेट्स आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मुँह ज़बानी याद नहीं होता तो आप सिर्फ एम और एन की ये पोजीशन याद रख लें, 13 एम है और एन, ये तो आपको याद रखनी ही है, एम 13 है और एन 14 है, ये तो आपको याद रखनी है। और एम और एन जो होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं, एम और एन एक दूसरे के रिवर्स पेयर होते हैं। अब रिवर्स पेयर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिवर्स पेयर जनरली कुछ भी नहीं होते, लास्ट 13 अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं, फर्स्ट 13 और लास्ट 13 का, अगर आप फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन देखो और लास्ट 13 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन देखो और लास्ट 13 को यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप पीछे से स्टार्ट करो गिनना, जैसे Z से मैं शुरू करूँगा, Z X ऐसे करके Z Y X, तो Z जो है वो 1 नंबर पे आएगा, Y जो है वो 2 नंबर पे आएगा और X जो है वो 3 नंबर पे आएगा। उसी तरह W जो है वो 4 नंबर पे आएगा, V जो है वो 5 नंबर पे आएगा, अगर मैं पीछे से काउंट करना स्टार्ट करूँ तो। इस तरह से रिवर्स फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ A का रिवर्स क्या है, तो A की पोजीशन 1 है और पीछे से काउंट करें तो Z 1 नंबर पे आएगा, तो A का रिवर्स कौन हुआ, Z। तो इस तरह से अगर आप रिवर्स पेयर कुछ भी नहीं होते, ये फर्स्ट 13 अल्फ़ाबेट्स और लास्ट 13 अल्फ़ाबेट्स के बीच का रिलेशन है। तो ए का रिवर्स कौन हुआ, जेड हुआ, ए जेड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ए टू जेड। बी का रिवर्स वाई हुआ, क्योंकि पीछे से काउंट करें तो वाई 2 नंबर पे आएगा और 2 नंबर पे कौन होता है, बी होता है। तो पीछे से अगर आप गिनना स्टार्ट करें अल्फ़ाबेट्स को तो वाई बी की जगह कौन आएगा, वाई आएगा, क्योंकि वाई बी का नंबर 2 है, तो वाई पीछे से अगर देखें तो 2 नंबर पे आता है। उसी तरह सी का नंबर 3 है, 3 नंबर पे सी आता है और पीछे से 3 नंबर पे कौन आता है, एक्स। तो इस तरह से आप सारे रिवर्स पेयर निकाल सकते हैं और ये आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वाई ई वी फू एफ़ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। कैसे याद रखना है तो इसकी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ए टू जेड। ए जेड को कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, तो ए टू जेड इसकी ट्रिक हो गई। बॉय से, बॉय या बाय, बॉय जो होता है उसमें बी वाई आता ही है, तो बॉय से या बाय से आप बी वाई को याद रख सकते हैं। सी एक्स की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कॉल एक्स, सी मतलब कॉल, एक्स मतलब एक्स, तो कॉल एक्स। डी डब्ल्यू की ट्रिक आपको पता ही है, डॉक्टर वाइट, डॉक्टर वाइट। ई वी की क्या ट्रिक है, तो ई वी, ई वी एस एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एस हटा दो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को ई वी एस कहते हैं, उसमें एस हटा दो तो ई वी, ई वी क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। एफ यू को फू से याद रखोगे, फूक सब मारते ही हैं, तो एफ यू क्या हो गया, फू। जी टी, जी टी ए एक गेम का नाम है, जी टी ए वाई सिटी, सब खेलते हैं, सब जानते हैं, जी टी ए वाई सिटी एक गेम है, तो जी टी ए हटा दो, जी टी, जी टी से आपको याद रखना है गौरव टावर। अगर आप जयपुर में रहने वाले हो तो गौरव टावर से आप, गौरव टावर एक बहुत बड़ा टावर है जयपुर में, तो जी टी गौरव टावर, उससे आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हायर सेकेंडरी से एच एस को, इंफ्रारेड से आई आर को, जैक और क्वीन से जे क्यू को, कपिल, के पी मतलब कपिल, के पी को, एल ओ लो, लो एल ओ, एम एन मनमोहन, इस तरह से आप सारी रिवर्स पेयर्स को आप याद रख सकते हैं ए से लेकर जेड तक। ये 13 रिवर्स पेयर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि आप ए जेड से ही याद रखें, इस उल्टा भी याद रख सकते हैं आप, ए जेड तो जेड ए, बी वाई तो वाई बी, सी एक्स तो एक्स सी, इस तरह से 26 रिवर्स पेयर्स बन जाएंगे आपके पास। तो आप सिर्फ 13 याद रखें और बाकी के आप अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिवर्स पेयर्स को याद रख के, मिडिल टर्म्स को याद रख के, सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को याद रख के आप वर्ड एनालॉजी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, ए सी ई के बाद जो अगली सीरीज़ दे रखी है वो दे रखी है जी आई के, जी आई के अगली सीरीज़ दे रखी है। अब आपसे पूछता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी सीरीज़ आनी चाहिए, तो अब आपको इसका लॉजिक कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी मैं आपको समरी दे देता हूँ जल्दी से कि हम लॉजिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना ये काम होता है कि जितने भी सीरीज़ दे रखी है उनको आप उनकी पोजीशन पे, उनकी पोजीशन पे जो भी नंबर आते हैं उनका, जैसे ए का नंबर 1 है, सी का नंबर 3 है, ई का नंबर 5 है, उसकी पोजीशन के बेस पर उनकी नंबरिंग आप लिख दें, मतलब कि पूरी सीरीज़ को आप कोड कर दें। कैसे कोडिंग करनी है, तो नंबर में नंबर कोडिंग करनी है उनकी, उनकी पोजीशन के बेस पर, अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के बेस पर। जैसे मैं यहाँ कोडिंग कर रहा हूँ, ए की जगह लिखूंगा मैं 1, क्योंकि ए 1 नंबर पे आता है। सी की जगह क्या लिखूंगा मैं, सी की जगह मैं लिखूंगा 3,
और ई की जगह क्या लिखूंगा, फाइव, क्योंकि ई फाइव नंबर पे आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है वो जी आई के है। जी आई के देखें तो जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है बेटा सेवन नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है नाइन नंबर पे। और के कितने नंबर पे आता है, के आता है 11 नंबर पे। अब आपसे पूछता है कि अगली सीरीज बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह जो सीरीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल इसमें लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए सी ई, ए जो है यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ वन से लेकर थ्री और फिर थ्री से लेकर फाइव, थ्री से लेकर फाइव, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, वन से लेकर थ्री में टू का डिफरेंस है। यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ पर प्लस टू का डिफरेंस आ रहा है, वन में कितना ऐड करें कि थ्री आ जाए टू, उसी तरह यहाँ पर भी टू का डिफरेंस नज़र आ रहा है। थ्री और फाइव में कितने का डिफरेंस है, टू का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी टू का डिफरेंस है। अब ए सी ई के बाद जी आई के आया है, तो ई के बाद जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें जी दे रखा है, ई के जस्ट बाद क्या दे रखा है, जी। तो यहाँ पर भी देखें तो फाइव में कितना जोड़ें कि सेवन आ जाए, टू टू, तो यहाँ पर भी टू का डिफरेंस, यहाँ पर भी सेम टू का डिफरेंस है, सेवन प्लस टू नाइन होते हैं और नाइन प्लस टू कितने होते हैं, इलेवन। तो अब हम नेक्स्ट सीरीज आसानी से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, तो सबसे पहले नेक्स्ट सीरीज का हम कोड लिखते हैं। नेक्स्ट सीरीज का कोड बनेगा इलेवन पे टू जोड़ने पर, क्योंकि सभी में टू का डिफरेंस, तो अगली जो सीरीज होगी यहाँ पर फाइव है, यहाँ यहाँ फाइव था, अगला सेवन है, अगला नाइन है, अगला इलेवन है, तो अगला कौन सा होगा, थर्टीन। फिर आएगा फिफ्टीन, उसमें टू जोड़ दो, इसमें भी टू जोड़ो तो सेवनटीन। अब आपको पता है थर्टीन नंबर पे कौन आता है, थर्टीन नंबर पे आता है एम, मिडिल टर्म होती है। फिफ्टीन नंबर पे कौन आता है, एम एन ओ, एन आता है फोर्टीन नंबर पे, ओ आता है फिफ्टीन नंबर पे, तो यहाँ ओ। और सेवनटीन नंबर पे अभी अपन ने पता करा क्यू आता है, तो एम ओ क्यू, एल एम एन ओ पी क्यू। एन आता है, ओ आता है फिफ्टीन नंबर पे, ओ एल एम एन ओ पी, पी आता है 16 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे। तो जो नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन मार्क की जगह होगी वो होगी एम ओ क्यू, तो एम ओ क्यू इज द राइट आंसर। उसी तरह यहाँ पर आपसे पूछता है कि बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू टी जी आर आई के बाद अगली कौन सी सीरीज आएगी, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एक सीरीज आपको बता करनी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू, ये तो रिवर्स पेयर है, देख सकते हैं बी वाई है, उसके बाद कौन आता है, बी वाई के बाद सी एक्स आता है, पर इसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर जंप कर दिया, बी वाई के बाद यहाँ डी डब्ल्यू लिखा है। यहाँ देख सकते हैं आप बी वाई के बाद क्या आ रहा है, डी डब्ल्यू। तो हमें पता चल गया कि बी वाई के बाद अगला जो रिवर्स होता है वो सी एक्स होता है, पर इसको छोड़ के अगला लिया गया है, मतलब डी डब्ल्यू। तो लॉजिक क्या समझ में आया, कि जो जितने भी रिवर्स होते हैं उसमें हम अल्टरनेटिव रिवर्स लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी डब्ल्यू जो है, उसके बाद कौन आता है, ई वी आता है, पर यहाँ डी डब्ल्यू को उसके बाद डायरेक्ट एफ यू लिखा गया है, यहाँ देख सकते हैं आप एफ यू लिखा गया है, इसको जंप किया है, ई वी को जंप किया है। फिर नेक्स्ट सीरीज जो है उसमें टी जी है, टी जी यहाँ पर वैसे जंप नहीं किया है, पर अगली जो सीरीज प्रोपोर्शन में दे रखी है वो टी जी दे रखी है, और टी जी के बाद डायरेक्ट जंप किया है आई आर पे, मतलब एच एस को छोड़ दिया गया है। तो अगला कौन सा होगा, अगला आपको पता ही है, इसको जंप कर देना आई आर के बाद कौन सा, आर आई कहो, आर आई आर करो, बात बराबर ही है, जी टी भी रिवर्स होता है और टी जी, जी टी टी जी बात बराबर ही है, आई आर आर आई चाहे उल्टा सीधा लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, के पी आएगा, आई आर के बाद अपन को किसको छोड़ना है, जे क्यू को, क्योंकि हमें लॉजिक समझ में आया कि ये रिवर्स है, बी वाई रिवर्स है, डी डब्ल्यू रिवर्स है, एफ यू रिवर्स है, तो जितने भी रिवर्स होते हैं पहले उनको लिख लो और फिर देखो कि बी वाई के बाद कौन सा आता है, सी एक्स आता है, पर यहाँ कौन सा लिया गया है, डी डब्ल्यू, मतलब एक को छोड़ा गया है, डी डब्ल्यू के बाद एफ यू लिया गया है, ई वी को छोड़ा गया है, फिर यहाँ जी टी है, टी जी जी टी, यहाँ पर एच एस को छोड़ के आई आर लिखा गया है, तो अगला कौन सा होगा, के पी होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नेक्स्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा के पी, तो के पी इज दी राइट आंसर। इस तरह से आप लॉजिक को फाइंड करके, सीरीज के बीच में रिलेशंस को फाइंड करके आप नेक्स्ट सीरीज निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है, और वर्ड एनालॉजी जो होती है वो हर कंपटीशन में पूछी जाती है, इसलिए आप मेरे जितने भी सेशन है, सेशन वन, सेशन टू, सेशन थ्री, अच्छी तरह देखें, जो सेशन थ्री ये वाला जो सेशन है ये समरी है बाकी दो सेशंस की, और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ये, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आगे मोटिवेट होके आगे बहुत सारे सेशंस और भी अच्छे बेटर सेशंस आपके लिए बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।